कहिए कैसे हैं आप? छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं? असल में क्या हुआ कि कल मैं अपनी एक नोन के घर गई तो उसके ना डाइनिंग टेबल में बहुत सारी बुक्स फैली हुई थी। छोटी छोटी जो बुक्स होती है बच्चों की, कॉपी पेंसिल बुक्स फैली हुई थी। और एकदम से मुझे देखते ना वो उनको समेटने लगी। वो ना एक्चुअली कुछ उल्टे हाथ से लिख रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने उससे पूछा तो पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, बाद में ये बोली कि उसका बेटा जो LKG में है उसने हॉलीडेज होमवर्क नहीं किया, तो उसका होमवर्क कर रही है और उल्टे हाथ से इसलिए कर रही है ताकि मैम को पता ना लगे कि क्योंकि राइटिंग तो उसकी अच्छी है। अब बताइए ये कहां की समझदारी है? पहली बात तो उसका होमवर्क करना, बच्चा कैसे पढ़ेगा फिर? आपको तो बजाय खुद होमवर्क करने के, देखिए अब तो 30-35 दिन निकल चुके हैं, अब तो स्कूल्स खुलने वाले हैं, बच्चे में आपने किया 30-35 दिन में इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट किया। मैंने उस समय तो उसको कुछ नहीं कहा, पर मुझे महसूस हुआ और मुझे लगता है कि शायद मुझे देख के उसको भी महसूस हुआ कि हाँ वो गलत कर रही है, पर वो वाकई में गलत कर रही है। खुद होमवर्क करने की बजाय उसको बच्चे में आधा आधा घंटा हर रोज इंटरेस्ट क्रिएट करके उसको पढ़ने बिठाती, क्यों नहीं पढ़ता बच्चा? देखिए अगर हम मेरे पास ना जैसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बच्चा LKG में है, UKG में है, उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो 10 दिन से जा रहा है, वो 20 दिन से जा रहा है, एकदम से मतलब पेरेंट्स क्या सोचते हैं, स्पेशली मदर्स जो बहुत ज्यादा इंपेशेंट होती है, क्या सोचती है कि आज बच्चा स्कूल गया, प्ले स्कूल गया और कल उसको पूरी ABCD आ जाएगी, परसों उसको छोटी ABCD आ जाएगी, फिर उसको क ख ग आ जाएगा और गिनती आ जाएगी, काउंटिंग आ जाएगी, टेबल्स आ जाएंगे, मतलब उनको लगता है कि 2 दिन में 4 दिन में सब कुछ आ जाए, ऐसे नहीं होता। देखिए पहली बार वो घर से बाहर निकला है प्ले स्कूल में जाने के लिए, पहली बार उसने घर से बाहर आपकी गोदी को छोड़ा है उसने, क्या उसको टाइम नहीं लगेगा एडजस्ट होने में? आप भी तो जब शादी होके आए थे नई जगह एडजस्ट होने में आपको नहीं टाइम लगा था? अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉज से टाइम एडजस्ट होने में नहीं लगा था? एकदम से एडजस्ट कर लिया था। तो बच्चा है वो तो बहुत छोटा है, उसको कुछ समझ भी नहीं है, उसको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, आप तो फिर भी समझ आ रहे हैं, तो उसकी फीलिंग्स को समझिए, आपने तो उसको जन्म दी है। मतलब मुझे बहुत महसूस होता है कि मदर्स ऐसी कैसी हो जाती हैं आज के टाइम में अगर हम ये कहें कि बच्चा पढ़ने का कैसे पढ़ाएं, तो ये क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज है। देखिए सबसे पहले तो मोबाइल हमारे पास है, कितनी चीजें हम उसके थ्रू सिखा सकते हैं, हर समय बच्चे के हाथ में रहता है, हम उसको दे देते हैं ताकि वो चुप हो जाए, खेलने लगे, तो क्यों नहीं उसके थ्रू उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। फिर वीडियो गेम्स, कितनी चीजें हम सिखा सकते हैं वीडियो गेम्स के थ्रू। अच्छा फिर आजकल तो खिलौने ऐसे आ गए, इतने तरह के खिलौने आ गए कि उसमें हम बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉक बना के, मतलब तरह तरह की चीजें हैं आज के टाइम में। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना उसके हिसाब से तो हम ये कह ही नहीं सकते कि बच्चे में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, क्योंकि हजार चीजें हैं। पर जरूरी क्या है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए, मैं बार बार मदर्स बोल रही हूँ क्योंकि बच्चा मदर्स के पास ज्यादा रहता है, इम्पेशेंट नहीं बने, पेशेंस रखें। आप मदर है ना, आप पेशेंस रखिए, इतने आधीर मत होइए। इतनी सारी हमारे पास सुविधाएं हैं, इतना सब कुछ है, और क्वालिटी टाइम दीजिए। 30-35 दिन बच्चे के आपने उसको डांट डांट के निकाल दिया, जैसे मेरी फ्रेंड बता रही थी कि मैंने उसको बोल दिया तेरा खाना बंद कर दूंगी, तुमने पहले होमवर्क करने, इतना छोटा सा बच्चा उसका खाना बंद कर दोगे, तूने होमवर्क नहीं किया तो तेरे को टीवी नहीं देखने दूंगी, तेरे को पार्क में नहीं ले जाऊंगी, बल्कि आप पता है क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं अपन दोनों मिलके होमवर्क करते हैं और फिर चलेंगे पार्क में, 1 घंटा लगा के आएंगे, आज जितना होमवर्क करोगे उतनी देर और ज्यादा लगा के आएंगे, जितनी देर पढ़ाई में लगाओगे उससे डबल हम पार्क में लगा के आएंगे, उतनी देर हम कार्टून्स देखेंगे, उतनी देर हम वीडियो गेम्स खेलेंगे। इस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है, या जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छी 2 बार आइसक्रीम खिलाएंगे, मतलब इस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है, ना कि ये कि तुम्हारा खाना बंद कर दूंगी, तुमको टीवी नहीं देखने दूंगी, ये तो मतलब नहीं है। और अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसकी पीठ भी थपथपानी है, उसको शाबाशी देनी है। आपके घर में गेस्ट आते हैं तो बजाय ये कहने के तो पढ़ता ही नहीं है, नालायक है, ये कहें कि देखो आज उसने ये होमवर्क किया, आज उसने ये किया, उनकी प्रेज करो ना उनके सामने। देखिए कुल मिला के जो मुझे बात समझ आती है ना वो ये है कि पेरेंट्स में, स्पेशली मदर्स में, पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट है। फादर लोग तो फिर भी थोड़ा सा समझ जाते हैं क्योंकि वो शायद टाइम भी नहीं ज्यादा स्पेंड कर पाते बच्चों के साथ, पर मदर्स बहुत जरूरी है। बच्चे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, एकदम से नहीं उसके ऊपर लादेंगे ना, बहुत ज्यादा प्रेशर लादेंगे तो वो घबराने लग जाएगा, वो पीछे हट जाएगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, जबकि हमें उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो
तो आज तो मैं बस यही कहने आई थी, कल एक्चुअली जब उसके घर गई और देखा कि खुद होमवर्क कर रही है और मतलब बच्चे को बोल रही है कि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मतलब आगे आके उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। उसकी नींव मजबूत हो चुकी होगी, पर उसकी नींव ही मजबूत नहीं होगी, आप ही उसकी हेल्प कर रहे हैं तो उसको क्या पता कि क्या वर्ड्स हैं, ये क्या लिखना है, ये अल्फाबेट्स क्या है, उसको तो आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, और वो नलायक होता जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, ट्यूशन रखेंगे, ये इधर जाए इधर भागेंगे उधर भागेंगे, सिफारिश रखेंगे, तो उससे तो फिर उसका फ्यूचर कैसे बनेगा। ये बेस्ट टाइम है उसकी नींव बनाने का, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसको बाहर ले जाइए, नेचर में ले जाइए, उसको बाहर ले जाइए, दिखाइए कि ये होती है चिड़िया, बजाय पहाड़ पेड़ दिखाने के बुक्स में, उसको नेचर बाहर ले जाइए, खुले में ले जाइए, दिखाइए उसको कितना इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होगा। मैं तो पक्का यही कह रही हूँ, आज के टाइम में तो हमारे पास हजारों ऑप्शन हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को सिखाने के लिए, पर पेशेंस, सिर्फ पेशेंस, पेशेंस चाहिए मदर को, पर खुद होमवर्क करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बस आज तो मैं ये कहने आई थी, तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, और छोटे बच्चों को लेके पक्का उनको क्वालिटी टाइम देना है, उनके साथ उनको शाबाशी भी देनी है, उनके साथ पूरा पेशेंटली, खूब पेशेंस रखिए, उनसे डील करना है। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़।